रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। चाहे प्रदेश सरकार विकास के कितने भी दावे करती थकती नहीं हो, लेकिन हिमाचल के हमीरपुर जिला में ग्राम पंचायत अघार के तहत पड़ने वाले गांव लुंडरी के बाशिंदों को आज भी नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। समस्या दशकों से बनी हुई है और कुना खड पर पुल की मांग को पूरा नहीं किए जाने से आज भी जान जोखिम में डालकर स्कूल बच्चों और लोगों को दिनचर्या के काम निपटाने पड़ रहे हैं। चाहे प्रदेश सरकार विकास के कितने भी दावे करती थकती नहीं हो, लेकिन हिमाचल के हमीरपुर जिला में ग्राम पंचायत अघार के तहत पड़ने वाले गांव लुंडरी के बाशिंदों को आज भी नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। समस्या दशकों से बनी हुई है और कुना खड पर पुल की मांग को पूरा नहीं किए जाने से आज भी जान जोखिम में डालकर स्कूल के बच्चे और लोगों को दिनचर्या के काम निपटाने पड़ रहे हैं। हालांकि लुंडरी गांव के बाशिंदों ने कई बार नेताओं के साथ साथ प्रशासन को भी समस्या के बारे में अवगत करवाया है, लेकिन मात्र आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला है, जिस कारण ग्रामीणों में गहरा रोष पनपा हुआ है। आपको बता दें कि लुंडरी के पास उफंती खड कुना को पार करके रोजाना स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पार करते हैं, तो ताल के लिए जाने के लिए भी लोग खड पार करके आवाजाही करते हैं। हालत ऐसी है कि स्कूली बच्चों को भेजने और लाने के लिए खड के पास अभिभावकों को आना पड़ता है। राकेश कटोच वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत का कहना है कि सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन इस बात पर कभी किसी ने कुछ नहीं किया है। हालांकि लुंडरी गांव तक कच्ची सड़क गांव वालों के सहयोग से निकाली गई है, लेकिन अब आगे पुल डालने के लिए सरकार से बजट के लिए गुहार लगाकर लोग थक चुके हैं, जिस कारण पुल नहीं बन पा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को पुल न बनने की वजह से 15 किलोमीटर का सफर तय करके शहर से जुड़ना पड़ता है। ये बहुत समस्या है जी, और काफी सालों से चली आ रही है। इससे 5-7 जो गांव हैं उनके लिए फायदा होगा। यहाँ के बच्चों को यहाँ से बड़ी नदी कुना खड पार करके जाना पड़ता है, जो जान माल का खतरा होता है कई बार। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये पुल बनाए, इस सड़क को पक्का करें। आप एक बाढ़ सदस्य भी हैं, तो कभी पंचायत की तरफ से नहीं ऐसी पहल हुई? नहीं, पंचायत की तरफ से भी पहले हुई है, लेकिन पंचायत में इतना बजट नहीं होता है तो इसलिए नहीं कर सके। लेकिन हमने गांव वालों ने मिलके एक बड़ा इसमें काम किया है और मिलजुल के ये एक रोड बनाया है, और एक पुल बनाने के लिए एक रोड की हमने शुरू कर दिया है। हाँ जी, क्या डिमांड है मुख्यतः? मुख्य डिमांड यही, सड़क को पक्का भी किया जाए और ये पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ताकि ताल को लुंडी से, अघार से, नालमी से और इवन सौर तक जोड़ा जाए, और कोली के लिए भी बिल्कुल शॉर्टेज शूट हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज हमें बोटा से होके या महल से होके 15 किलोमीटर दूर ताल पड़ जाता है। अदरवाइज इसकी लंबाई सारी आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के करीब होगी। वहीं स्कूल से घर आ रही छात्रा मीनाक्षी ने बताया कि रोजाना इसी तरह से ही जान जोखिम में डालकर आना पड़ता है। वहीं कॉलेज छात्रा प्रियंका ने बताया कि पुल जल्दी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी ज्यादा बारिश होती है तो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, जिससे पढ़ाई बाधित होती है। मैं प्लस वन क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा नाम मीनाक्षी है, और मैं हर रोज इस खड को क्रॉस करके स्कूल जाती हूँ। क्या क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि हमें यहाँ पे पुल पढ़ना चाहिए किसी भी हालत में। हमें रोज डेली कॉलेज जाने के लिए ये रोज खड़ क्रॉस करनी पड़ती है। कभी कभी अभी फिलहाल अभी जो बारिश हुई थी ना, उसी की वजह से, इतनी खड़ आने की वजह से मेरे को घर में रहना पड़ रहा था, उस वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी। बस सरकार से यही मांग है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी पुल डल जाए, बस और कुछ नहीं, जिससे हम अच्छे कॉलेज में जा सके, पढ़ाई कम्प्लीट कर सके अच्छी तरह से। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि बरसात के समय में तो बहुत ही दिक्कतें पेश आती हैं और हर वक्त किसी अनहोनी होने का डर लगा रहता है। उन्होंने बताया कि बीमार लोगों को तो अस्पताल तक पहुंचाना भी दूभर बन जाता है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि गांव वालों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और चुनावों के समय में तो नेता आकर वायदे कर देते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के पास कई बार फरियाद सुनाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, हमें बहुत ज्यादा समस्या पेश आती है यहाँ से, क्योंकि ये बरसात के मौसम में एक महीना तो हमारा ऐसा निकलता कि इसमें तो बड़ी मुश्किल होती। डेली हमें बच्चे जब स्कूल भेजने या स्कूल से आने का टाइम होना तो खड में बैठना पड़ता है इतने टाइम तक। तो कभी आपने मांग नहीं की? मांग बहुत ज़्यादा की, सभी से की मांग कि हमें पुल डालना चाहिए, सड़क बननी चाहिए। सड़क तो चलो सभी ने मिलजुल के कर ली हमें, पर पुल तो अब गवर्नमेंट डालेगी। तो यही मांग है? और भी एक मांग है, मतलब हमारे बुजुर्ग वगैरह भी हैं, बीमार शमार भी होते हैं, तो हमें उनको कैसे उठा के लेके जाना, तो ताल के लिए भी ले जाना मुश्किल है, जो खुद चल नहीं पड़ पाते तो कौन उठाएगा। हमारे घर वाले कहाँ घर में रहेंगे यहाँ पे कि उनको उनकी देखभाल करेगा, और तो नहीं उठा पाते सभी मरीजों को।
सर जी के हमारे को पुल पड़ना चाहिए, हमारे बच्चे 6-7 दिन स्कूल जाने से रुकते हैं, जब छुट्टियां खत्म होती है तो खड्ड में ज़्यादा पानी आता है। जैसे बूढ़े बीमार होंगे, हम बीमार होंगे तो लड़के अपनी अपनी सर्विस पे हैं तो कौन उठा कर लेकर जाएगा उनको। और जैसे हमारी देवरानी के पास बच्चा हुआ तो गाड़ी नहीं मिली तो इधर खड्ड के पास मकान है उसमें बच्चा हो गया पैदा, फिर कैसे, हमारे को बहुत मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए हैं, वोट डाले थे आपने, तो आपको नेता लोग आए होने तो उन्होंने क्या बोला? हाँ जी, वो तो बोलते हैं कि हमारे को वोट डालो, हम जीतेंगे तो हम जरूर आपकी ये समस्या पूरी करेंगे, पुल डालेंगे, सड़क निकालेंगे। तब कितने सालों से बनी है समस्या? समस्या तो बहुत साल से है, पता नहीं हमारे बुजुर्ग भी मांगते मांगते रोड पुल वो भी खत्म हो गए और हम भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा।